Welcome to Milestone Online Study. I'm Professor Lav Singh and we're going to give you a best IELTS reading series, especially in Punjabi. बच्चे जिवें तुसीं देखिया एग्जाम्स दे विच काफ़ी बार अपनी रीडिंग्स रिपीट हुई ने गियाँ, बहुत ज़्यादा रीडिंग्स रिपीट हुई ने, तो असी रिपीटड रीडिंग्स भी इस चैनल के उपर अपलोड कर रहे हैं। उहदे नाल नाल असी जिवें तुहानूं दस्सिया भी 500 तो वध असी रीडिंग्स इस चैनल के उपर अपलोड करांगे, तो 100 प्लस रीडिंग्स असी ऑलरेडी इस चैनल के उपर अपलोड करतीआं राजे। थैंक यू सो मच साडा, क्योंकि तुसीं इस चैनल नूं, इस इंस्टीट्यूट नूं पंजाब दा नंबर वन रीडिंग स्पैशलाइज्ड इंस्टीट्यूट बनाया। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर रीडिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइलस्टोन ऑनलाइन स्टडी। माय नेम इज सिमरनदीप, ते अज आप करांगे आयल्स अकैडमिक रीडिंग दा एक होर पैसेज जिहदा नेम है हाउ एनिमल्स लर्न। बेसिकली ये पैराग्राफ च आपां नूं दस्सिया गया भी जिहड़ी एनिमल्स दी लर्निंग पावर है वह किवें है, ते किवें एनिमल्स लर्न करदे है, उहनां दी कंपैरिजन कीती गई है कई पैराग्राफ ह्यूमनस दे नाल, मतलब सारा कुछ एनिमल लर्निंग बारे आपां नूं दस्सिया गया इस पैराग्राफ दे विच, पैसेज दे विच बेसिकली। ठीक है जी, तो हूँ आप इन क्वेश्चन के टाइप्स देखते हैं भी कि क्वेश्चन टाइप्स ने इस पैसेज दे विच। फर्स्ट है जी, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इनफॉर्मेशन। आपां पांच स्टेटमेंट्स दित्तियां हुई ने, चार आई थिंक चार ने, चार स्टेटमेंट्स दित्तियां हुई वो आप दसनी भी ये इनफॉर्मेशन कि पैराग्राफ दित्ती हुई है पैसेज दे विच। ठीक है जी, नैक्सट टाइप हैगी है दी ट्रू फॉल्स ते नॉट गिवन। ये आपां नूं पता ही है भी जे स्टेटमेंट मैच करती है तो ट्रू, जे स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो फॉल्स, तो जे स्टेटमेंट गिवन ही नहीं हैगी मतलब मिसिंग है स्टेटमेंट या इनफॉर्मेशन तो नॉट गिवन आऊगा अपना। तो नैक्सट टाइप हैगी अपनी समरी, बेसिकली फिलअप्स की तरह ही होंगे ये, बस नीचे ऑप्शन दिते हुए हैं आप उन्होंने ही चूज़ करा ये ऑप्शनस। ठीक है जी, तो हूँ आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन तो। फर्स्ट क्वेश्चन की है, अ कंपैरिजन बिटवीन रैट्स लर्निंग एंड ह्यूमन लर्निंग। तो आप करना है वो पैराग्राफ देखना जिद कंपैरिजन दिता गया हो रैट्स की लर्निंग का तो ह्यूमन की लर्निंग, तो यह आंसर की आएगा जी, मैं थोड़ा दसदा यदा आंसर आएगा डी पैराग्राफ। डी पैराग्राफ किमें आया वो आप देखते हैं, डी पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग अर्बन ब्लैक रैट्स वर फाउंड टू लैक द स्किल एंड वर अनेबल टू लर्न इट ईवन इफ हाउस्ड विद एक्सपीरियंस्ड कोन स्ट्रिपर्स। However, infants of urban mothers cross-fostered by stripper mothers acquired the skill. Whereas, infants of stripper mothers fostered by an urban mother could not. Clearly, the skill had to be learned from the mother. Further elegant experiments showed that naive adults could develop the skill if they were provided with cones from which the first complete spiral of scales had been removed. Rather like our new photocopier, which you can work out how to use once someone has shown you how to switch it on. In the case of rats, the youngsters take cones away from the mother when she is still feeding on them, allowing them to acquire the complete stripping skill. ठीक है जी, तो इस आपां नूं रैट्स की लर्निंग बारे भी दसता तो आपां नूं ह्यूमन की लर्निंग बारे भी दसता भी ह्यूमन किस तरह करते हैं तो रैट्स किस तरह करते हैं। ठीक है जी, तो करके अपना आंसर इस आ गया डी पैराग्राफ। सैकेंड क्वेश्चन देखो, अ रेफरेंस टू द अर्लीएसट स्टडी इन एनिमल लर्निंग। मतलब रेफरेंस मतलब एक गल की होगी सब तो पहला वाली स्टडी की, कादी स्टडी एनिमल लर्निंग की सब तो पहला वाली स्टडी की गल होगी उस पैराग्राफ के, इतने अपन हिंट हो जाना चाहिए भी अर्लीएसट की गल होगी तो स्टार्टिंग पैराग्राफ ही यदा आंसर हो सकते हैं, तो यद आंसर आऊगा जी ए पैराग्राफ, ए आएगा यदा आंसर। आप देखते हैं क्यों, स्टार्टिंग तो शुरू करने आप पढ़ना। लर्निंग थ्योरी इज रूटेड इन द वर्क ऑफ इवान पावलोव द फेमस साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड द प्रिंसिपल्स गवर्निंग हाउ एनिमल्स ह्यूमंस इंक्लूडेड लर्न इन द 1900s। टू बेसिक काइंड ऑफ लर्निंग और कंडीशनिंग अकर, वन ऑफ विच इज फेमसली नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है जी, तो इतों ही अपन पता लग गया फेमस साइंटिस्ट मतलब लर्निंग थ्योरी है और रूट कितों होंगी है वर्क ऑफ इवान पावलोव दी, एक जड़े एक फेमस साइंटिस्ट सीगा जिन्हें की डिस्कवर किया सीगा, डिस्कवर किया सी ते डॉक्यूमेंट किया सी प्रिंसिपल्स गवर्निंग हाउ एनिमल्स लर्न, मतलब एनिमल्स किमें लर्न करते हैं सब तो पहला उन्हें ही देखा सी 1900s दे विच, तो यही होगी एक तरह की अर्लीएसट स्टडी, तो अपना आंसर आ गया ए पैराग्राफ। ठीक है जी, हुण आपां थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन की है, द डिस्कवरी ऑफ हू स्ट्रिप्ड द पाइन कोन। मतलब डिस्कवरी हुई भी पाइन कोन नू किने स्ट्रिप कीता सी। ठीक है जी, तो इहदा आंसर आएगा जी सी पैराग्राफ चों। सी पैराग्राफ चों कित्थों आऊगा वो आप देखते हैं हुण।
सी पैराग्राफ दी फर्स्ट तीन लाइन च कुछ नहीं हैगा, लास्ट थर्ड लाइन देखो सी पैराग्राफ दी जिहड़ी कि ए स्लाइड ते तुहानू फर्स्ट लाइन दिख रही है। द कल्प्रिट प्रूव टू बी द वर्सेटाइल एंड एथलैटिक ब्रैट रैट ब्लैक रैट एंड द टेक्नीक वॉज टू बाइट ईच कोन स्केल ऑफ एट इट्स बेस इन सीक्वेंस फ्रॉम बेस टू टॉप फॉलोइंग द स्पायरल ग्रोथ पैटर्न ऑफ द कोन। मतलब यही हो गया ना भी कल्प्रिट प्रूव टू बी द वर्सेटाइल, मतलब ये डिस्कवर हो गया सी भी किने स्ट्रिप कीता सी ब्लैक कोन, तो क्वेश्चन भी अपन वही पूछा गया तो यदा आंसर आ जाएगा जी सी पैराग्राफ वी किने मतलब डिस्कवरी हुई सी भी किने स्ट्रिप कीता सी पाइन कोन नू। ठीक है जी, तो सी आ गया आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हुण, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक्सपेरिमेंट। मतलब एक डिस्क्रिप्शन भी एक तरह की गल ही होंगी है, दो तीन लाइनों च गल दिती होंगी है या एक लाइन, जरूरी नहीं भी दो तीन लाइनों की ही डिस्क्रिप्शन होगी, कदे कदे एक लाइन की भी डिस्क्रिप्शन होंगी है, कदे कदे पूरे पैराग्राफ ही डिस्क्रिप्शन का होंगे। ठीक है जी, तो आप गल देखनी है भी हुई है कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक्सपेरीमेंट की। ठीक है जी, तो यह आंसर आएगा जी ई पैराग्राफ। ई पैराग्राफ चो यदा आंसर है, ई पैराग्राफ की भी लास्ट लाइन चो ही यदा आंसर लगेगा। देखो पढ़ो, द कॉस्ट प्रूव टू बी लैस दैन 10% ऑफ द एनर्जैटिक वैल्यू ऑफ द कोन एंड एक्सैप्टेबल प्रॉफिट मार्जिन। मतलब ये भी कॉस्ट कॉस्ट इफेक्टिवनेस ही दसती ना भी 10% लैस दैन द एनर्जैटिक वैल्यू ऑफ द कोन, तो एक एक्सैप्टेबल प्रॉफिट मार्जिन सी, प्रॉफिट उ होगा भी कॉस्ट इफेक्टिव ही होगी चीज़ जिस प्रॉफिट मिलता है अपन, है ना। तो करके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया ई पैराग्राफ। हुण आप नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन की है जी, नैक्सट हैगा जी ट्रू एंड फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन देखो पहला, द फील्ड ट्रिप टू इजराइल वॉज टू इन्वेस्टिगेट हाउ ब्लैक रैट्स लर्न टू स्ट्रिप पाइन कोन्स। मतलब इजराइल नू एक फील्ड ट्रिप सीगा, क्यों सीगा इन्वेस्टिगेट करन लई भी ब्लैक रैट्स ने जिहड़े ओह किवें लर्न करदे ने पाइन कोन्स नू स्ट्रिप करना। तो जे आपां पूरा पैसेज पढ़ांगे है ना, तो आपां नू पूरे पैसेज ते इह सेम गल किते नहीं मिलनी, मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी स्टेटमेंट नालों, तो यह आंसर आऊगा अपना नॉट गिवन, क्योंकि पूरी फुल इन्फॉर्मेशन आपां नू पैराग्राफ च गिवन ही नहीं हैगी भी इजराइल गए सीगे फील्ड ट्रिप सीगी इन्वेस्टिगेट करन लई गए सी भी ब्लैक रैट्स किवें लर्न करदे आ स्ट्रिप कोन्स पाइन कोन्स नू स्ट्रिप करना। ठीक है जी, तो यह आंसर आऊगा नॉट गिवन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं हुण आपां, द पाइन कोन्स वर स्ट्रिप्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप बाय ब्लैक रैट्स। एदा आंसर है जी सी पैराग्राफ च। सी पैराग्राफ च आपां दोबारा चलते हैं, सी पैराग्राफ की लास्ट तीन लाइन ही देख लो, इवन लास्ट लाइन चो ही लग लूगा अपना आंसर। इन सीक्वेंस फ्रॉम बेस टू टॉप फॉलोइंग द स्पायरल ग्रोथ पैटर्न ऑफ द कोन। बेस टू टॉप बॉटम टू टॉप सेम गल ही होगी ना, तो अपन एक ही वर्ड मिल गया एक, तो उस उपरली लाइन देख लो, एंड द टेक्नीक वॉज टू बाइट ईच कोन स्केल ऑफ एट इट्स बेस। मतलब ईच कोन नू बाइट करना एक टेक्नीक सी जड़ा कि किवें किया जाता सी बेस टू टॉप, मतलब ए सीक्वेंस फॉलो किया जाता सी, तो अपन अपनी स्टेटमेंट भी सेम चीज़ कह रही है वी द पाइन कोन्स वर स्ट्रिप्ड फ्रॉम बेस टू टॉप बाय ब्लैक रैट्स, तो अपना आंसर की लग गया जी जो स्टेटमेंट अपन मैच कर गई आंसर आ गया ट्रू। सिक्स्थ आंसर इज ट्रू। सैवंथ क्वेश्चन पढ़ो हूँ, इट कैन बी लर्न फ्रॉम अदर रेलिवेंट एक्सपीरियंसिस टू यूज़ अ फोटो कॉपियर। हाँ जी, मतलब ये लर्न किया जा सकता है होर एक्सपीरियंसिस तो भी फोटो कॉपियर किमें यूज़ करिए, तो यह आंसर कितों आऊगा जी, यदा आंसर आप देखते हैं, यदा आंसर आएगा जी डी पैराग्राफ चो। डी पैराग्राफ चो यदा आंसर आएगा कितों आएगा हूँ ये देखते हैं, आप डी पैराग्राफ की लास्ट फोर्थ लाइन पढ़ते हैं, आप लास्ट फोर्थ लाइन जिथे लिखा नहीं रैदर लाइक आर न्यू फोटो कॉपीयर, फोटो कॉपीयर की क्योंकि गल सिर्फ इसे पैराग्राफ च हुई है तो आंसर अपना इतों ही लगेगा। रैदर लाइक आर न्यू फोटो कॉपीयर विच यू कैन वर्क आउट हाउ टू यूज़ वन सम वन हैज़ शोन यू हाउ टू स्विच इट ऑन। ठीक है जी, मतलब जो तो आपां नूं किसी ने दसता भी किवें यूज़ हो सकता है, है ना, मतलब किवें स्विच ऑन होगा अलग एक्सपीरियंस ही हो गया किमें स्विच ऑन होगा, तो उस तो आप सीख सकते हैं भी फोटो कॉपीयर किमें वर्क करता है। ठीक है जी, तो सेम अपनी स्टेटमेंट कह रही है कि कह रही है स्टेटमेंट भी आप होर एक्सपीरियंस सीख सकते हैं भी फोटो कॉपीयर किमें यूज़ करिए, तो यह आंसर आ जूगा जी ट्रू। सैवंथ का ट्रू। एट्थ क्वेश्चन देख लो, एट्थ हैगा स्ट्रिपिंग द पाइन कोन्स इज़ एन एक्सटिंक्ट ऑफ ब्लैक रैट्स। मतलब
ਸਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਨ ਕੋਨਸ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਰੈਟਸ ਦਾ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚੋਂ, ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਲਾਸਟ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ, ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਰੈਟਸ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ। ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਰੈਟਸ ਦ ਯੰਗਸਟਰਸ ਟੇਕ ਕੋਨਸ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਮਦਰ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਫੀਡਿੰਗ ਔਨ ਦੈਮ ਅਲਾਉਇੰਗ ਦੈਮ ਟੂ ਐਕੁਆਇਰ ਦ ਕੰਪਲੀਟ ਸਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਸਕਿੱਲ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਾਲਸ, 8th ਦਾ ਆਂਸਰ ਫਾਲਸ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਜੀ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਲਪਸ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਵਾਈਲ ਦ ਨਟ ਕਰੈਕਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਏਬਲ ਟੂ ਕੈਸ਼ੇ ਸੀਡਸ, ਦ ਜੈ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਡੈਸ਼ ਔਨ ਕੈਚਿੰਗ ਫੂਡ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਦਸ ਲੈਸ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਦਿਸ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਵਾਈਲ ਦ ਨਟ ਕਰੈਕਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਏਬਲ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਸੀਡਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਟ ਕਰੈਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਬਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦਾ ਔਨ ਕੈਚਿੰਗ ਫੂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਡੈਸ਼ ਔਨ, ਜੈ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਡੈਸ਼ ਔਨ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਰਿਲਾਈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੱਧ ਘੱਟ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚੋਂ। ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅ ਪੇਪਰ ਇਨ 1996 ਐਨੀਮਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਾਏ ਬੈਂਡਨਕੋਫ ਐਂਡ ਬਾਇਡਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊ ਆਫ ਦ ਅਡੈਪਟਿਵਨੈਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਲਰਨਿੰਗ। ਇਟ ਕੰਜ਼ਰਨਸ ਦ ਸੀਡ ਕੈਚਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਕਲਾਕਸ ਨਟ ਕਰੈਕਰ ਐਂਡ ਦ ਮੈਕਸੀਕਨ ਜੈ। ਦ ਫਾਰਮਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੈਚਿੰਗ 30,000 ਔਰ ਸੋ ਸੀਡਸ ਇਨ ਸਕੈਟਰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਵਿਲ ਰਿਕਵਰ ਓਵਰ ਦ ਮੰਥਸ ਆਫ ਵਿੰਟਰ। The Mexican jay will also catch food but is much less dependent upon this than the nutcracker. Matlab jada jay hai oh much less dependent hunda hai, cut dependent hunda hai ga nutcracker to. Ta apan nu fill up ch vi ehi puchha gaya vi rely ki karda, rely da matlab hi hunda depend karna. Ta answer aajuga apna less, the jay relies less on catching food. Theek hai ji, ta 9th answer aa gaya less. ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਇਜ਼ ਦਸ ਲੈਸ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਦਿਸ ਐਬਿਲਿਟੀ ਬਟ ਮੋਰ ਡੈਸ਼। ਮਤਲਬ ਇਸ ਐਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਉਹ ਘੱਟ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਸੇਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਟੂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਿਫਰ ਇਨ ਦੇਅਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਦ ਨਟ ਕਰੈਕਰ ਬੀਂਗ ਰੈਦਰ ਸੋਲਟਰੀ ਵੈਲ ਦ ਜੇ ਫੋਰੇਜਿਸ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪਸ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਟ ਕਰੈਕਰ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੈ ਕੀ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ, ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕੱਲਾ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਇਜ਼ ਦਸ ਲੈਸ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਦਿਸ ਐਬਿਲਿਟੀ ਬਟ ਮੋਰ ਸੋਸ਼ਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਦੇਅਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਕੈਚਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇਅਰ ਕੈਚਿਸ ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਾਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਐਂਡ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਟੂ ਟੈਸਟ ਦੀਜ਼ ਟੂ ਬਰਡਸ ਫਾਰ ਦੇਅਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵੇਅਰ ਦੇ ਹਿੱਟ ਦ ਸੀਡਸ। ਇਨ ਦ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦ ਕੈਚਰ ਬਰਡ ਹਿੱਟ ਸੀਡਸ ਇਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਈਲ ਦ ਅਦਰ ਡੈਸ਼। ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਚਰ ਬਰਡ ਸੀ ਉਹ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਦਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਜ਼ ਸਲਾਈਟਲੀ ਕੋਮੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਜ਼ ਸਲਾਈਟਲੀ ਕੋਮੀਕਲ ਵਿਦ ਅ ਕੈਚਰ ਬਰਡ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅ ਰੂਮ ਵਿਦ ਲੋਟਸ ਆਫ ਹੋਲਸ ਇਨ ਦ ਫਲੋਰ ਹਾਈਡਿੰਗ ਫੂਡ ਇਨ ਸਮ ਆਫ ਦ ਹੋਲਸ। ਹਾਈਡਿੰਗ ਫੂਡ ਇਨ ਸਮ ਆਫ ਦ ਹੋਲਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਹਿਡ ਫੂਡ ਇਨ ਗਰਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ, ਵਾਈਲ ਵਾਚਡ ਬਾਏ ਐਨ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਬਰਡ ਪਰਚਡ ਇਨ ਅ ਕੇਜ। ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਬਰਡ ਆਪਣਾ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਅਦਰ, ਵਾਚਡ ਬਾਏ ਅਦਰਸ।
यही लग गया ना अपना, तो आप देखा की लगेगा ऑप्शन भी अपना पेगा वॉचड, तो अपना आंसर लग जो इतने वॉचड वाइल द अदर वॉचड, मतलब एक बर्ड सीड्स नू ग्राउंड छुपाउंदा सी ते एक देखदा सी उनू वॉच करदा सी। ठीक है जी, नैक्सट पढ़ते हैं लाइन आप। एज अ रिजल्ट द नट क्रैकर एंड द मैक्सीकन जय शोड डिफरेंट परफॉर्मेंस इन द रोल ऑफ डैश, मतलब जड़ा ये नट क्रैकर सी ते जय सी ओ अलग परफॉर्मेंसिस दिखाते सी किदे रोल दे विच, किदे रोल दे विच दिखाते सी, ए आप हुण फिल करना है। सेम पैराग्राफ चो लगेगा जी, हाँ जी कितों लगेगा ये देखते हैं अपना। फिफ्थ लास्ट फिफ्थ लाइन तो देखते हैं अपना, फर्स्ट फिफ्थ है लास्ट फिफ्थ कोई भी ला लो। इन द रोल ऑफ कैचर, ठीक है जी इतों लगेगा, इन द रोल ऑफ कैचर नॉट ओनली द नट क्रैकर बट ऑल्सो द लैस स्पेशलाइज जय परफॉर्म्ड अबव चांस मोर सरप्राइजिंगली हाउ एवर जय ऑब्जर्वर्स वर एज सक्सेसफुल एज जय कैचर्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंसिस ऑब्जर्वर दियाँ, जड़ा कि जय सीगा वो वधिया ऑब्जर्वर सी ते नट क्रैकर सीगा उस तो थोड़ा जा कट ऑब्जर्वर सी, तो अपना की लग गया कि दे रोल दे विच डिफर करते सी ये रोल ऑफ ऑब्जर्वर, तो अपना ऑप्शन भी ऑब्जर्वर पेगा। ठीक है जी, तो आंसर आजूगा अपना ट्वेल्थ का ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर एट फाइंडिंग द सीड्स द ऑब्जर्विंग डैश डिडंट डू एज वैल एज इट्स काउंटर पार्ट, मतलब आप देखा सी भी जय वधिया ऑब्जर्वर सी ते नटक्रैकर घट वधिया ऑब्जर्वर सी। ठीक है जी, तो इतने अपना आंसर आना चाहिए नटक्रैकर ही, आप भी देख लें भी कितों आऊगा अपना आंसर नटक्रैकर, नटक्रैकर क्योंकि अपना ऑप्शन भी गिवन है, आप देख लें कितों आएगा ये आंसर। लास्ट थर्ड लाइन तो पढ़ो जी, जी पैराग्राफ की लास्ट थर्ड लाइन है जी। इट सीम्स दैट वेर इज द नट क्रैकर इज हाईली अडेप्टेड एट रिमेंबरिंग वेर इट हिड इट्स ओन सीड्स द सोशल लिविंग मैक्सीकन जय इज मोर अडेप्ट एट रिमेंबरिंग एंड सो एक्सप्लॉइटिंग द कैचेज अदर, मतलब नट क्रैकर वधिया हाइड कर सकता सी पर जिहड़ा ऑब्जर्वर सी ओ वधिया नहीं सीगा, तां करके अपना आंसर इत्थे आजूगा जी नट क्रैकर। द ऑब्जर्विंग नट क्रैकर डिडंट डू एज वैल एज इट्स काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट कौन हो गया नट क्रैकर का, जय, जय सी जिहड़ा ओ वधिया ऑब्जर्वर सी ते जिहड़ा ऑब्जर्विंग नट क्रैकर सी ओ वधिया परफॉर्म नहीं करता सी जी। ठीक है जी, तो अपना 13 का आंसर आ गया नट क्रैकर। ठीक है जी, अंडरस्टूड। ओवरऑल जी आप लैवल की गल करिए इस पैसेज की, तो यह पैसेज ओवरऑल ईजी सीगा, मतलब लाइनज भी लगभग सेम टू सेम ही, फिलअप्स बहुत आसान से, फिलअप्स के हरेक कीवर्ड अपने मैच हो रहे थे। ट्रू फॉल्स के विच पैराग्राफ कंटेनज आपू जी थोड़ी बहुत सिनोनियम्स का, मतलब सिनोनियम्स की नॉलेज होगी, थोड़ी बहुत वोकैबलरी वर्ड की इनफॉर्मेशन होगी, तो आप ईजीली 13 out of 13 स्कोर कर सकते हैं इस पैसेज तो। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।